आज मैं आपके सामने एक दिग्गज कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि साउथ इंडिया के अंदर अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना के बैठी हुई है, जिसका नाम है EID पेरी। ये जो कंपनी है इसके मैं तीन वैल्यू एस्पेक्ट्स आपके सामने बताऊंगा, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी बढ़िया लेवल पे इस टाइम ट्रेड कर रही है। कंपनी की पी रेशियो इस टाइम लेस देन 10 की है, कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 8000 करोड़ की है, और कंपनी का सबसे वैल्यू पॉइंट नंबर वन जो है वो है कंपनी की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग जो है कोरमंडल कंपनी के अंदर, जिसके अंदर उनकी इक्विटी स्टेक है अराउंड 56% की। उसकी अगर आप वैल्यूएशन चेक करें तो आज की डेट में उस सिर्फ एक कंपनी की वैल्यूएशन इस कंपनी के अंदर जो बैटरी है वो है अराउंड 15,000 करोड़ की। तो ये तो हो गया कंपनी का एक वैल्यू पॉइंट। आज की डेट में सेकंड वैल्यू पॉइंट में अगर आपको बताऊं इस कंपनी का, तो वो है हमारा शुगर बिजनेस के अंदर। अगर आपने नोटिस किया होगा कि शुगर अगर आप लूज खरीदते हैं तो वो आपको 30-35 रुपए की भी मिल जाती है, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं प्रीमियम सेक्टर सेगमेंट के अंदर तो आपको 120 रुपए की भी शुगर मिलती है। तो आज की डेट में अगर इंडिया के अंदर माइंडसेट लोगों का जो चेंज हो रहा है सुपीरियर हेल्थ प्रोडक्ट्स की तरफ, तो वहां पे कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है उन्होंने कैसे बनाया हुआ है अपने वैल्यू चेन के अंदर, कि उन्होंने हर 10 रुपए के अंदर अपना एक प्रोडक्ट निकाला हुआ है शुगर का। तो आप ये सोचिए कि आज की डेट में कंपनी के पास जितने भी शुगर के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके हर वैल्यू चेन के सेगमेंट पे आते हैं और उनकी वैल्यू अराउंड 120 रुपए तक भी जाती है। तो आप ये सोचिए अगर लूज शुगर आप खरीद रहे हैं जो कि 30-35 रुपए की आ रही है और कंपनी के पास जितने भी इंटरवल हर 10 रुपए के हैं वहां पे एक वैल्यू प्रोडक्ट है अपना कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, कि जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है हेल्थ की तरफ जाने की वैसे वैसे कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है। ये तो हो गया कंपनी का ब्रांड वैल्यू वाला पार्ट, कि उन्होंने हर सेगमेंट के अंदर अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है कस्टमर को सर्व करने के लिए। अब बात करते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस कितनी है। तो आज की डेट में कंपनी की 78,000 आउटलेट्स के अंदर प्रोडक्ट्स पहुंचाने की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है, जो कि वो बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि पूरे पूरे साउथ इंडिया को अगर सर्व करना है तो EID पेरी जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है उस पूरे साउथ के एरिया के अंदर। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये तो हो गया अभी जितने मैंने आपको पार्ट्स बताए थे वो तो थे B2C सेगमेंट के अंदर। अब मैं बताता हूँ B2B बिजनेस जो है वो है गवर्नमेंट के रिलेटेड, कि गवर्नमेंट ने जो एथेनॉल पॉलिसी बनाई है उसका अफेक्ट शुगर कंपनीज को कैसे आएगा। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने सबसे पहले 10% करी थी ब्लेंडिंग अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, फिर उन्होंने करा 15%। अब आज की डेट में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 20% भी ब्लेंडिंग हम कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर 20% ब्लेंडिंग आपके पेट्रोल के अंदर अगर दिख रही है शुगर के साथ एथेनॉल बना के, तो आप ये सोचिए कि इनका एक ये वाला बिजनेस भी कितना कंसिडरेबल अमाउंट का हो सकता है। कंपनी का पिछले साल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था अराउंड 1800 करोड़ का, जो कि कंसोलिडेटेड बिजनेस पे था। और मुझे लगता है कि ऐसे सेक्टर के अंदर जहां पे कंपनी का पूरा वैल्यू चेन जो है वो B2B बिजनेस के अंदर भी है, B2G बिजनेस के अंदर भी है और B2C बिजनेस के अंदर भी है, तो मुझे लगता है कि ऐसा सेक्टर पकड़ना और उसके अंदर लीडरशिप वाली कंपनीज को अगर आप पकड़ लें तो क्या बढ़िया बात होगी। कंपनी के पूरे इंडिया के अंदर अराउंड 6 फैक्ट्रीज हैं, जिसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि अगर पेप्सी को अपनी पेप्सी बनानी है तो उनके अंदर जो शुगर का कंपोनेंट बनेगा वो ये शुगर कवली कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। तो इस बिजनेस के अगर आप इकोसिस्टम को समझे और पूरे शुगर इंडस्ट्री पे अगर आप बुलिश हैं तो उसमें से आपको लीडरशिप वाली कंपनीज पकड़नी पड़ेंगी, क्योंकि लीडरशिप वाली कंपनीज की अगर मैं बात करूं जैसे इस कंपनी की, तो अगर इस कंपनी की मार्केट कैप 8000 करोड़ की है और कंपनी के पास सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की अगर मैं बात करूं कोरमंडल की, तो उसकी वैल्यू ही इस टाइम 15000 करोड़ की आ रही है। तो आपको इतना पता चल गया कि ये जो कंपनी है इसके अंदर एक होल्डिंग कंपनी का भी डिस्काउंट आ रहा है और कंपनी का अपना स्टैंड अलोन बिजनेस भी है जो कि शुगर सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में काफी देर लगती है और आपको खोद खोद के ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जहां पे आपका वैल्यूएशन का पार्ट भी सही रहे और आपको एक अच्छी एंट्री का मौका भी मिल जाए। थैंक यू।